वेलकम टू एट द स्कूल सो स्टूडेंट एज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन आई नो यू पीपल आर रियली वेरी पैनिक अबाउट इंग्लिश पेपर नॉट फॉर दैट कि मैम इंग्लिश पेपर टफ आएगा या ईजी आएगा बट फॉर दैट कि मैम इंग्लिश का पेपर ले आता है और हमें टाइम नहीं मिल पाता अपना पूरा पेपर करने का और लास्ट मोमेंट पर पे हमारा पेपर छूट जाता है तो मैम प्लीज़ कोई ऐसी स्ट्रैटी बता दीजिए जिससे हम हमारे इंग्लिश पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए कंप्लीट अटैम्प्ट कर पाए विद टाइम मैनेजमेंट So, students, I am in this video session going to tell you the best approach to attempt English paper with time management. So let's get started. So, first question which is asked by so many students to me is ma'am, which section should we attempt first? We should have the section. It should be reading, writing, or the literature section. So, concept section ma'am. अब स्टूडेंट की अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ दर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट लिटरेचर क्योंकि उन्होंने स्टोरीज अच्छे से पढ़ रखी हैं तो उनको लगता है कि सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं उसमें उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है क्वेश्चंस भी अच्छे से वो कर लेते हैं फिर उनको टाइम मिल जाता है कहते हैं कि मैम टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो हम रीडिंग सेक्शन को सबसे बाद में अटैम्प करते हैं और फिर आराम आराम से उसको करते हैं राइट right? बट कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी आपकी फेल हो जाती है वाई सो लिसन मी केयरफुली जब आप स्टार्टिंग में अपना पेपर करना शुरू करते हो ना तो आपके दिमाग में होता है कि आपको अच्छी हैंड राइटिंग के साथ पेपर करना है आपका जो पेपर होना चाहिए वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए दिखने में अच्छा लगे एग्जामिनर को तो आप आराम आराम से लिटरेचर सेक्शन को करना शुरू करते हो आपको लगता है कि आप उसे कम टाइम दे रहे हो बट आपका टाइम अच्छा खासा वो ले लेता है फिर लास्ट मोमेंट पे जब आप रीडिंग सेक्शन में आते हो तो आपके पास एक ऐसा पैसेज होता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होता और लास्ट मोमेंट पे आप घबराए हुए होते हो कि टाइम कम बचा हुआ है और आपको पेपर खत्म करना है तो उस घबराहट में आप जल्दी जल्दी आर को पढ़ते हो और क्वेश्चन अटेम करने की कोशिश करते हो इस वजह से आपके काफी सारे क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं और पेपर भी छूट जाता है राइट सो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट अप्रोच वुड बी This, जैसा कि आपको सीबीएसई ने पेपर दिया है सीबीएसई भी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाता है तो सबसे पहले उन्होंने रीडिंग सेक्शन रखा फिर राइटिंग रखा फिर लिटरेचर रखा नाउ वाई लिसन मी केयरफुली जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आपके पेपर से पहले आपको फिफ्टीन मिनट मिलते हैं ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ लो आपका क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से पढ़ लिया आपने एक स्ट्रेटजी बना ली आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने एज यू हैव चॉइस इन योर क्वेश्चंस तो आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है ये पहले ही प्लान बनाना होता है और क्वेश्चन पेपर को इसीलिए पढ़ने के लिए दिया जाता है कि बच्चा पढ़ ले कि उसे क्या क्या आ रहा है अच्छे से राइट तो आपने सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है क्यों वो भी सुन लो जब आप पेपर को स्टार्ट करते हो तो आप बहुत फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हो आपका दिमाग काम कर रहा होता है और आप बहुत कूल हेडेड होते हो क्योंकि आपने पेपर को जस्ट स्टार्ट किया होता है सो so जब हम फ्रेश स्टार्ट से कोई चीज करते हैं तो हम बहुत कूल हेडेड है होते हैं और हम बहुत अच्छे से पेपर को पढ़ रहे होते हैं स्टार्टिंग का टाइम फ्रेश टाइम है आप अपने पेपर को अच्छे से पढ़ोगे अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे और उसके क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से कर पाओगे आई वुड सजेस्ट यू कि सेकंड पे आप अपना राइटिंग सेक्शन अटेम्प करना क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा सोचना होता है इस काम के लिए एक और चीज सी कर लेना ले uh, जिसमें खाली पोर्शन दिया गया होता है उस पर आप पॉइंट जॉड आउट कर लेना कि पहले क्या लिखोगे फिर क्या लिखोगे फिर उसके बाद क्या लिखोगे जस्ट लाइक इंट्रो द लास्ट पॉइंट राइट नाउ राइटिंग सेक्शन आपका हो गया फिर आते हो आप अपने लिटरेचर पार्ट पे अब लिटरेचर पार्ट पे आपको अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस इसलिए होता है क्योंकि आपने उसकी स्ट्रैटेजीज़ उसकी स्टोरीज को अच्छे से पढ़ा होता है तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप अपने पेपर को कर भी रहे हो जल्दी जल्दी तो आपके दिमाग में ऑलरेडी पॉइंट्स चल रहे हैं यू हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो फटाफट उन्हें करना शुरू कर देते हो सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो और जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करते हो क्योंकि आपके दिमाग में अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड एंड यू हैव जस्ट टू राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी राइट सो मेरी अप्रोच यही रहेगी कि आप सबसे पहले रीडिंग सेक्शन करिए इसमें आपको सबसे ज़्यादा सोचना पड़ता है पढ़ना पड़ता है सेकेंड आप राइटिंग सेक्शन करिए जिसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी लगनी है

निकाल देते हैं अलग साइडलाइन कर देते हैं हम बाकी वन टेन मिनट्स की बात करते हैं तो टाइम मैनेज कैसे करें मैम कितना टाइम कौन से सेक्शन को कितना देना है आप मैम प्लीज बता दीजिए तो सबसे पहले मैं कहूंगी यू हैव टू गिव फोर्टी मिनट्स फॉर योर रीडिंग सेक्शन आप फाइव टू टेन मिनट्स अगर बच्चा बहुत अच्छा है रीडिंग में तो वो फाइव मिनट लेकर के पैसेज को पूरा पढ़ सकता है अगर बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो भी वो टेन मिनट्स में अपना पैसेज कंप्लीट कर सकता है राइट तो आप टेन टेन मिनट्स अगर पैसेज को पढ़ने में भी दे रहे हो तो आप टेन टेन मिनट्स उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए भी दे सकते हो जो आपके एग्जाम right? पर दे सकते हो ऑल टोटल बहुत ज्यादा टाइम मत खींचना क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है एक ही मार्क्स है आपका अगर आप ज्यादा देर इस पे लगा दोगे तो आप बाकी के सेक्शन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे वजह से आपका जो पेपर है वो छूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं राइट सो फोर्टी मिनट्स में आपको अपना कौन सा सेक्शन करना है रीडिंग सेक्शन दूसरा आपका आता है राइटिंग सेक्शन जिसको आपको थर्टी मिनट देनेट ही क्वेश्चन तो हम इसको थर्टी मिनट्स क्यों दे रहे हैं दर इज अ रीजन इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी लगानी होती है थोड़ा सा सोचना होता है पॉइंट्स को जॉट डाउन करना होता है तो आपने क्या किया अपने जो भी क्वेश्चन पेपर की शीट थी उसके लास्ट में आपने पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लिया अब आपके पास एक ऑर्डर है कि आपको पहले क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है देन hmm. आपने क्या किया अपना पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया तो 30 मिनट्स में आपने अगर 10 मिनट्स दोनों क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में और पॉइंट्स जॉट डाउन करने में लगा दिए तो बाकी के 20 मिनट्स हैं आपके पास उसको लिखने के अच्छे से लिखने के सो so, आप 30 मिनट्स दोगे राइटिंग सेक्शन को नेक्स्ट इज द लिटरेचर सेक्शन एज आई टोल्ड यू और आपको अच्छे से पता भी है कि सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका लिटरेचर सेक्शन ही आता है तो आप इसको फोर्टी मिनट दो अब आप पूछोगे भी फोर्टी और लिटरेचर को भी फोर्टी क्यों दी है तो हमारा कम मार्क्स का होता है लिटरेचर हमारा ज्यादा मार्क्स का होता है तो मैंने इसको फोर्टी मिनट्स इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको इसमें जो क्वेश्चन अटैम्प करने होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं जो आपको ऑलरेडी दिमाग में स्टोर है और आपको फाइव क्वेश्चन ऐसे अटेप करने आपको लिखना पड़ेगा फिर उसके बाद आपके पास फोर मार्क्स के क्वेश्चन दो हैं जिनको आपको अच्छा खासा लिखना पड़ता है राइट तो ये मिनट्स में आपने दोनों काम करने हैं आपने अच्छे से अपने पेपर को लिखना भी है और उन आंसर्स के की कीवर्ड्स को हाईलाइट भी करना है जो आपको लगता है कि एग्जामिनर को ये पॉइंट तो जरूर देखने चाहिए मुझे ये चीज पता है और आप एग्जामिनर को वो चीज हाईलाइट करना चाह रहे हो तो लास्ट मिनट आप फोर्टी मिनट्स प्रॉबरली अपने राइटिंग सेक्शन को दो सारे क्वेश्चन के आंसर्स को आप अच्छे से बनाओ अब फोर्टी फोर्टी एटी और एट्टी और थ्री वन टेन आपका हो गया यहां पर लास्ट के दस मिनट आपको क्या करना है अपने क्वेश्चन पेपर को आ, साइडलाइन कर देना है और अपनी आंसर शीट को उठा करके अच्छे से चेक करना है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है अच्छे से और आप हर एक अपने सेक्शन में चेक कर लो कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर तो आपने नहीं किया सो so, अगर आप इस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आई वुड डेफिनेटली से कि आपका पेपर बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा और आपका पेपर छूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं सो so, आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने पेपर को बेस्ट अप्रोच के साथ कर पाओगे विद दिस आई वुड लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्जामिनेशन एंड आप अपने एग्जाम्स में सबसे पहला सेक्शन कौन सा अटेंट करते हो और कितने सेक्शन को कितना टाइम देते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना लास्ट मोमेंट पर मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि हमेशा से जो आपकी अप्रोच रही है आप कोशिश करना उसे ही फॉलो करो क्योंकि लास्ट मोमेंट पर मैं आपको कुछ चेंज करने के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि आपको प्रेशर होगा सो आई डोंट वॉन्ट कि आप किसी तरह का कोई प्रेशर लो बट आने वाले टाइम पर मैं आप लोगों से यही बोलूंगी दिस इज द बेस्ट अप्रोच ये बहुत अच्छी अप्रोच है अगर आप इसको करते हो अपने एग्जाम में तो आपके पेपर के छूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आप अपना पेपर बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से कर पाते हो तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई का आंसर का ज़रूर वेट करूंगी सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई ज़रूर देना थैंक यू एंड बाय